ये कितने का नोट है? एक दिनार का नोट है। आप इससे कोई सामान खरीद सकते हैं? खरीद सकते हैं। अगर इस नोट को ऐसे बल पड़ जाए और आप दुकानदार के पास जाओ और उसको ऐसे ये नोट दिखाओ, क्या वो आपको कुछ सामान दे देगा? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? ये नोट है, नोट है। इसका शक्ल जैसा भी है, इसका शेप जैसा भी तुम बना दिया है, तो नोट है ना। आप जाकर ऐसे बोलो हमको ये कुछ चाहिए एक दिनार का, वो रखेगा। अगर देखो अब इस नोट को हम सीधा कर दिया, क्या ये पहले जैसा नया दिखता है? नहीं दिखता। अब इसको बहुत सारा बल पड़ गया। अगर ये नोट दरमियान से कट जाए, सही है, या फट जाए और इसको दोबारा टेप लगा दी जाए, तो क्या ये चल जाएगा? चलेगा। अगर फिर कट जाए, फट जाए, या इधर से इतना ऐसे कट गया और इसका नंबर गायब हो गया, तो क्या ये नोट फिर भी चल सकता है? नहीं चल सकता। अगर नहीं चलेगा तो बैंक में देंगे तो वापस मिल जाएगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। अब काम की बात करते हैं। देखो दोस्तों, ये जो नोट है इसका वैल्यू कभी कम नहीं हो सकता। इसको बल पड़ गया, ये कट गया, फट गया, इसका वैल्यू कम नहीं हो सकता। लेकिन ये नोट कमाते समय अगर इंसान को कुछ हो गया, तो इंसान को कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ से इंसान का वो अंग नया मिल जाए, या इंसान का कीमत अगर एक दफ़ा कम हो गया तो फिर वो दोबारा बढ़ नहीं सकता, ना अपनी जगह पर आ सकता है जिधर पहले था। कैसे? अगर फॉर एग्जांपल एक कारपेंटर है, आपने देखा होगा टेबल सॉ के ऊपर लकड़ी को कटिंग करते हैं, ऐसे प्लाईवुड को। एक कारपेंटर वो लकड़ी का जो प्लाईवुड है उसको काटता है, और उसकी जो पत्नी है, बीवी उसकी, उसको कॉल करती है और वो मोबाइल फ़ोन सुनते हैं। हम क्यों बोलते हैं कि मोबाइल फ़ोन सुनना अलाउ नहीं है साइट पे काम करते सब? अभी क्या हुआ कि जैसे वो फ़ोन सुना उसका ध्यान हट गया काम से और उसका ये अंगूठा कट गया, सही है। अब पहले वो एक बहुत अच्छा शटरिंग कारपेंटर था, बड़ा टॉप का कारीगर था। तो जब भी दोबारा एक महीना के बाद वो आया, अभी उसका अंगूठा नहीं। अभी कारपेंटर का मेन टूल कौन सा है? हैमर, हथौड़ी। क्या इसके बिना पकड़ सकता है? नहीं पकड़ सकता। नहीं पकड़ सकता। वो कारपेंटर का फोरमैन उसको बोला, दोस्त तुम जाओ स्टील फिक्सर्स के पास। स्टील फिक्सर का टूल कौन सा है? कटर, जिससे कटिंग करते हैं। इसके बिना पकड़ सकता है उसको, ग्रिप कर सकता है? नहीं कर सकता। नहीं। वो उसको बोला तुम जाओ मैसन के पास। मैसन का टूल कौन सा है? करंडी है ना, उससे जिससे मसाला बिछाते हैं। ये नहीं है। क्या वो उसको सही टूल को पकड़ सकते हैं? नहीं पकड़ सकता। वो उसको बोला जाओ तुम पेंटर के पास। पेंटर का टूल कौन सा है? ब्रश। ब्रश नहीं है, वो पकड़ नहीं सकता। इससे अंगूठा नहीं है, सिर्फ एक अंगूठा नहीं है, चार उंगलियां अभी भी बाकी है, लेकिन वो ब्रश को पकड़ नहीं सकता। वो बोला तुम इलेक्ट्रिशियन के पास जाओ। इलेक्ट्रिशियन का कौन सा टूल है? स्क्रू ड्राइवर, पेचकस जिसको बोलते हैं। वो नहीं पकड़ सकता, क्यों? अंगूठा नहीं है। वो उसको बोला चलो तुम पेचकस का काम नहीं करो, तुम ड्रिल मशीन का काम करो। ड्रिल मशीन पकड़ सकता है? कोई टूल आदमी नहीं पकड़ सकता, सिर्फ ये एक अंगूठा उसका नहीं है। तो मेरे दोस्त, अब मुझे ये बताओ, दिनार को बल पड़ गया, कट गया, फट गया, बैंक में दिया, फिर नया मिल गया, क्या इंसान जैसे पहले था वैसे दोबारा हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या उसका अंगूठा, ये जो अंग चला गया, क्या दोबारा वापस आ सकता है? नहीं आ सकता। कोई ऐसा बैंक है, कोई ऐसा हॉस्पिटल है जो उसको ये नया लगा दे? नहीं लगेगा। अगर लगेगा नकली लगेगा, या लग ही नहीं सकता। और अगर नकली लगेगा तो असली जैसा काम नहीं कर सकता। क्या अब वो जो शटरिंग कारपेंटर था, जो बड़ा टॉप का कारीगर था, उसका वैल्यू कम हुआ या ज्यादा हुआ? कम हुआ या ज्यादा हुआ? कम हो गया। तो ये नोट कमाते समय दोस्त, क्यों हम अपनी लाइफ को या अपनी हेल्थ को डेंजर में डालें? सही है। इसलिए मैं आप सभी लोगों को ये बोलता हूँ, आपसे गुजारिश करता हूँ, विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि काम करते समय, काम करते वक्त आप हमेशा सुरक्षा के जितने नियम हैं, सेफ्टी के जितने उपाय हैं, नियम हैं, उनको फॉलो करेंगे और अपने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट उनको लाजिम इस्तेमाल करेंगे, और हमेशा
काम करते समय मोबाइल फोन को इस्तेमाल नहीं करेंगे। सहमत है हमारे पास से? ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।